नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। अब तक देश में 3 लाख के करीब लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही हालत में सुधार हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना की पहली लहर के दौरान भी प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर तक पहुंचाने के लिए काफी चर्चा में रहे थे। अब एक बार फिर कोरोना संकट के बीच कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों की वो जमकर मदद कर रहे हैं। सोनू सूद से ऐसा नहीं कि गरीब और आम लोगों ही मदद मांग रहे हैं। कुछ दिनों पहले चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार प्लेयर सुरेश रैना के परिवार के सदस्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने में भी सोनू सूद ने मदद की थी। और अब सोनू ने भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह की मदद की है। उन्होंने हरभजन सिंह की अपील पर एक कोरोना मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम किया है। आईपीएल 2021 में केकेआर की तरफ से खेल रहे पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मदद मांगी। हरभजन सिंह ने इसके साथ ही उस अस्पताल का पता भी बताया जहां वो मरीज भर्ती है। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत है, ऐश्वर्या फोर्ट के पास बसपा अस्पताल चित्रदुर्गा कर्नाटक। इस पोस्ट पर हरभजन सिंह ने मोबाइल नंबर भी लिखा था। इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए सोनू सूद ने लिखा, भज्जी ये पहुंच जाएगी। आपको बता दें सोनू सूद भारत के कई राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की भी योजना बना रहे हैं। सोनू सूद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए कई सारे ऑक्सीजन प्लांट्स मंगाए हैं। इससे देश भर में जो ऑक्सीजन की कमी है उसका समाधान मिल जाएगा। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो कोरोना वायरस संक्रमण के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं और देश में कोविड 19 के कुल मामले बढ़कर अब 2 करोड़ तक पहुंच गए हैं और अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।